नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए हैं। बिसात बिछ गई है और अब चुनावी रण होगा, ये कह सकते हैं। शहर की छोटी सरकार है वो चुनी जाएगी। इलाहाबाद नगर पालिका को लेकर के हम चर्चा करें तो करीब 26,000 वोट हैं यहाँ पर और लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, राजेश कनवाड़िया है उनको उम्मीदवार यहाँ पे बनाया है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लंबी चौड़ी लिस्ट थी उम्मीदवारों की और ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व मंत्री भागीराम उनके बेटे एडवोकेट सुरेंद्र को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या कारण रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन हम आपको बता दें कि राजेश कनवाड़िया हैं उनको यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि इससे पहले यहाँ पे उपचुनाव हुआ, इलाहाबाद उपचुनाव, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5,500 से जीत मिली। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उपचुनाव यानी विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं, जो चेहरे हैं वो भी अलग अलग होते हैं और किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं। कहीं ना कहीं इस नगरपालिका के चुनाव को उपचुनाव का उपचुनाव यानी सेमीफाइनल है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जो चुनावी रन होगा उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट जो है पिछले चुनाव में मिले यानी कि उपचुनाव में मिले उतने ही वोट अब मिलें, ये कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नगरपालिका का चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के, बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर के, सड़क और जो सीवरेज की व्यवस्था को लेकर के, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के, नशे को लेकर के, चिल्ड्रन पार्क को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल शहर के होते हैं, उन मुद्दों पर यह चुनाव है वो लड़ा जाता है। और यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी ने राजेश कनवाड़िया हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। हालाँकि लंबी चौड़ी लिस्ट थी भारतीय जनता पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त भी है कि नगर पालिका में वो जीत का परचम लहराएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि उपचुनाव में जो नतीजे आए ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही नतीजे नगर पालिका के चुनाव में भी आए, वहाँ पे चेहरे और मुद्दे हैं वो अलग अलग होते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो लगभग ये माना जा रहा है कि विजय अठवाल हैं उनका नाम है वो फाइनल है। इसके साथ साथ कांग्रेस की हम बात करें, राम सिंह सोलंकी जिनको कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस सिब्बल पे चुनाव लड़ नहीं रही है इसलिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं वो राम सिंह सोलंकी है, वो हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे जो है चेहरा उतारेगी। हालाँकि जननायक जनता पार्टी ने यहाँ पर गौरी शंकर बुमरा जो मंडी मजदूर यूनियन के प्रधान हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन जो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठजोड़ फिर से हो गया है नगर निकाय चुनाव में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी ने इलाहाबाद से जो है हाथ है वो पीछे खींच लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चेयरमैन का उम्मीदवार है, उन्होंने राजेश कनवाड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है। और ये भी हम आपको बता दें कि जो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो इशूज़ हैं उसको लेकर के दी सड़कनामा .com की टीम है वो हर वार्ड में जाकर के तमाम मुद्दों पे चर्चा करेगी। और ये कहा जा सकता है कि हालांकि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो उपचुनाव में उनको वोट मिले, कहीं ना कहीं इस नगरपालिका चुनाव है उसका सेमीफाइनल कहा जा सकता है, वरना ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लोकल चुनाव है इसमें लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल चेहरे होते हैं, उसको ध्यान में रख कर ये कह सकते हैं कि भाईचारे का चुनाव, क्योंकि इसमें पार्टियों के साथ साथ जो चेहरे हैं, जो शहर के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे को लेकर के भी वोट है वो डाले जाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव है वो यहाँ के लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा। मुद्दे क्या होंगे हम वार्ड में जा कर के लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये इलाहाबाद जो कि VIP क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चौटाला परिवार के कई सदस्य हैं वो यहाँ पे विधायक रहे और फिलहाल भी यहाँ पे अभय सिंह चौटाला है वो विधायक हैं। किसान आंदोलन के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था और पिछले जो महीनों में उपचुनाव हुआ अभय सिंह चौटाला है वो यहाँ से विधायक बने। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा जो पहले अलोपा में थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, हालांकि शहर में उनको बढ़त मिली लेकिन ऑल ओवर वो चुनाव हार गए। ऐसा ये भी बताया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो तमाम उम्मीदवार थे
वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि इस कैंडिडेट के चुनाव को लेकर के, कैंडिडेट के चयनित को लेकर के गोविंद कांडा है उनकी चली है, और गोविंद कांडा ने जो नाम रखा उस पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि जो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो ये बात कह रहे हैं, अलग अलग जो जो नेता हैं वो अलग अलग नेताओं जो उम्मीदवार के जो संभावित चेहरे थे उनका ही सपोर्ट कर रहे थे, उनको टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे गोविंद कांडा ने जो नाम रखा राजेश कनवाड़िया उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि व्यवस्था क्या रहेगी, कई उम्मीदवार हैं जो जिसके बीच अब जो है चुनावी है वो रण होगा, और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव ये लड़ा जाएगा वो जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। एलनाबाद के विकास को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।